राजा रानी घर तुम रानी हो और जहाँ तक सही सत्संग हो भजन हो वहाँ पहुँच जाती हो और नाचते रहती हो। ये सब क्या, ये सब हमारे परिवार में नहीं चलता है। अभी वो रानी तो बड़ी दुखी हो, दुखी हो करके उसने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग दे करके बोले, हे ठाकुर जी, इस बार हमें किस राजा घर में जन्म नहीं था, किस राजा घर में नहीं जन्म देना। अगर देना तो हमें कोई साधारण घर में जन्म देना, जिस घर में जन्म लेकर के तेरे में भक्ति पूजा पाठ और संतों का संगम में कर सकती हूँ, मेरे ऐसे घर में जन्म दे। जानते हो कौन सा घर में जन्म हुई? भागवत में सुने ना, सबरी का ना, जिसको ठाकुर जी जुड़ा बेरे का सुने ना, कितना सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, छोटे मेरे सबरी के खाई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ओचे प्रेम सगाई। जगत में बहुत सारे बंधन है, लेकिन सबसे बड़ा बंधन है प्रेम का। मतलब भगवान के प्रेम से जितने खुश होते हैं और किसी चीज को द्वारा खुश नहीं होते। देखो संसार में अगर प्रेम नहीं रहेगा तो संसार में रहोगे, सुइसाइड कर देते हैं। एक व्यक्ति सुइसाइड कब करता है? जब देखता है पत्नी भी नहीं बोलते, बच्चे भी नहीं बोलते, ननद भी नहीं बोलती, सास भी नहीं बोलती, दुनिया में सब कुछ साथ में कोई प्रेम नहीं, लास्ट में क्या करता है? सुइसाइड करता है। बोलिए जीवन रख करे कोई लाभ नहीं। इसलिए दुनिया में सब जगह में जो प्रेम है ना, सारा दुनिया प्रेम चाहता है। बताओ कौन प्रेम नहीं चाहता? बोलो कौन प्रेम नहीं चाहता? दुनिया प्रेम चाहते। ये दुनिया बचा हुआ है ना, केवल प्रेम से ही बचा। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। लेकिन उसी तरह ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे प्रभु, प्रेम ही जगह में सारे, और प्रेम से उनका भजन करो तो प्रेम से बिड़ा इस दुनिया प्रेम चाहते। कहते भगवान झूठ बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। बोले सबरी, तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, मेरे बैकुंठ में मेरी महिषियां हैं, मेरे को कितना कितना छापा मैं को छतरी से भजन लगाती है, लेकिन वो आनंद नहीं आता है तेरे झूठे बेर से। अभी वो सबरी देखो कौन सा घर में जन्म हुई, कहां राजा की रानी थी, लेकिन अभी जन्म हुई उसने सबरी घर। जब उसकी शादी की उपज उसका समय हो गया, अभी उसको पिता ने वर ढूंढे, जब वर ढूंढे शादी की तय हो गया, अब इतनी शादी होगा। एक दिन उसने देखा जो बकरियों को घर, बोले पिताजी जो बकरी बकरी क्या घर में क्यों लाए? बोले बेटी तेरी शादी हो गई ना, पर मैं शादी को तो बकरी क्यों लाए? बोले उसमें जो वर जात्री आएंगे उनको भोजन खिलाएंगे, बकरी से उनको काट करके मांस खिलाएंगे। देखो पहले जीवन में अगर संस्कार हो, भजन करके आए तो कई संस्कार कैसे। बोले क्या, हम कहते शुभ विवाह, शुभ विवाह, अरे मेरी शादी के लिए इतनी जानवर को हत्या, इतने जीव हिंसा, अरे मेरी वजह से इतना प्राणी मरेंगे, ऐसे शादी की कोई जरूरत नहीं। उसने रात रात घर छोड़कर भाग गई जंगल, भाग करके अभी सोचा क्योंकि संतन के संग लागी ने तेरी अच्छी बने। जब तक हम संतों का संग नहीं करते जीवन कल्याण नहीं होता है। इसलिए वहां पर देखा जंगल में एक मातंग ऋषि रहते हैं, जिनके आश्रम में सब ब्राह्मण लोग साधु संत लोग रहते हैं। इसलिए वो क्या करती हैं, देखा जब तक उन्होंने मन मन में उनको गुरु मानो, ये मेरे गुरु जी है, गुरु जी तो मान ली, लेकिन इससे बात करना पड़ेगा गुरु जी को। जब तक सेवा नहीं करूंगा विवाह नहीं मिलेगा। बोले अभी तो मैं स्त्री जाती, मेरे सबरी जाती, फिर अंदर में गुरु जी के आश्रम का अंदर में जा ही नहीं सकती, कथा सुन ही नहीं सकती। देखो ध्यान देख रहे, अगर किसकी अंदर में सेवा की भावना होगी ना, पूछने का जरूरत नहीं गुरुदेव क्या करे क्या करती है, वो सेवा ढूंढ ही लेती है। देखो क्या करती है, दिन भर सुखी सुखी लकड़ी को, दिन भर सुखी सुखी लकड़ी को बीनती है, और रात को जब सब सो जाते है ना, गुरु जी के आश्रम का सामने सुखी लकड़ी रख लेती है। और जब सबके सब सो जाते हैं, पूरा आश्रम का चारों तरफ में झाड़ू लगा करके साफ कर देती है। वहाँ के पंपा सरोवर में गुरु जी संत लोग स्नान करने जाते थे, उनको प्यार में कोई कंकड़ कोई कांटा नहीं कट जाए, और रास्ता बढ़िया से साफ करते हैं। गुरुदेव एक दिन दो दिन देखो ये क्या बात है, पहले तो ये ब्रह्मचारियों को बोलना पड़ता था झाड़ू लगाओ, सभी झाड़ू लगा।
लेकिन लकड़ी लाओ किसका आदेश करना पड़ता था, लेकिन ये सवेरे देखो और सुखी लकड़ी रहता है चार तरफ पे साफ सुथरा, और यहाँ से सरोवर तक झाड़ू साफ सुथरा। सवेरे उठते ही क्या बात है, एक दिन गुरु जी ने देखा ही कौन करता है, एक दिन गुरु जी छुप करके देखा ये समझ कर रहे। तो गुरु जी ने बोले बेटी ना बोले ये क्या है, तुम ये सब क्यों करती हो? बोले गुरु जी मैं अपने आप आपको मैंने अपना गुरु जी मान लिया, अभी गुरु जी को तो सेवा कुछ करनी चाहिए है, इसलिए मैंने देखा ये सबरी की शरीर स्त्री जाति अंदर में तो जा नहीं सकती कथा सुन नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सूखी लकड़ी ले आती हूँ रख देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के लिए आप तो भोजन बनाओगे उसके बाद में गुरु जी की सेवा होगा, इसलिए साफ सुथरा रास्ता कर देता हूँ और पंपा सरोवर में झाड़ू लगा देता हूँ। गुरु जी इसकी इतना भावना देख करके ना गुरु जी कितने रिझ गए, बोले सचमुच से इसकी अंदर में भक्ति करने की पात्र है, क्योंकि शास्त्र में बताया अगर भक्ति करना हो शिष्य बनना हो तुम्हारे अंदर में तीन गुण की जरूरत है। कितना गुण की जरूरत है कहते क्या क्या तीन गुण आने चाहिए तभी हमारी हम भक्ति करने का हम लायक बनेंगे। फिर तत्विधि गीता का श्लोक है बोले तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शनं। ये ठाकुर कृष्ण को थे बोले तत्विधि प्रणिपातेन, पहले गुरु जी के पास में जाकर क्या करो सबसे पहले उनको प्रणाम करो, केवल प्रणाम नहीं प्रणिपात मतलब उनके चरण में संपूर्ण उनकी बन जाओ। गुरुदेव आपके चरण में प्रणाम करना मतलब क्या है, आपके चरण में झुक गए आपके आदेश वहां पालन करें, आपके शरणागत है आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जैसे खिलाओगे वैसे हम उठाएंगे। इसलिए सप्तम स्कंध में भागवत ने बताया शिष्य का कर्तव्य क्या है, बोले शिष्य का कर्तव्य ये है, शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार करे, ऐसे नहीं गुरुदेव एक बोले बोले गुरुदेव हमारी इच्छा नहीं कर रहा है, गुरुदेव हमारी इच्छा तो ये करते थे गुरुदेव ये पर तो शिष्य नहीं है, ये शिष्य नहीं बन पाए, शिष्य मतलब होता है शासन को स्वीकार करना, ठीक है गुरुदेव जैसे बोले वैसे ही करने का है। बोले पढ़ी बात उसके बाद में परिप्रश्न, फिर गुरु जी को प्रश्न करो, उसके बाद में फिर गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, क्योंकि सेवा के बगैर विवाह नहीं मिलता है। संसार में तुम लोग अपना पति पति को सेवा कर रहे हो तो सही, पति पूरा दिन भर काम करता है महीना भर और जो पैसा लाता है ना पूरा तनखा पूरा पत्नी को हाथ में पकड़ा देती हो तुम कि अपना पास में रख, पत्नी को हाथ में पकड़ा देती है पूरा पूरा पैसा, अगर पति अगर 100 रुपया लगे ना इसके लिए बोले 100 रुपया क्या करो, 100 रुपया क्या करो, बोले ये काम बोले 50 रुपया में हो जाके 100 रुपया क्यों क्या करो, ले 50 रुपया ले, उसने कमाया ना, अब तुम्हारी हाथ में दे दिया तो फिर क्या तुम्हारे हाथ से पैसा नहीं निकलता है, 100 रुपया मांगो तो 1000 जवाब देना पड़ेगा 100 रुपया क्या करो है। कारण क्या है, वो सेवा करती है इसलिए उसको पर विश्वास है नहीं ये पैसा पत्नी का भी बेकार में पैसा खर्चा नहीं करे, यही संसार को तो संभालती है, तुम्हें तो संभाल क्या संभालती है, घर को तो पत्नी संभालती है ना, इसलिए कहते सेवा, जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक विवाह नहीं मिलेगा, इसलिए सेवा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देखा इसके अंदर भी सारे, इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर भक्ति करना तो तुम्हारे अंदर में चार गुण की जरूरत है, कितना गुण की बोले क्या क्या बोले त्रिना दबी सुनी चाहिए ना, बोले घास से भी ज्यादा बिच्छू बना, बोले तर रबी सही सुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति है, वृक्ष से भी जो सहे सो रहे जो ना सहे को ना सहे, इसलिए सहन शक्ति सीखो है, सहन करोगे तो संसार चलेगा ना, अगर थोड़ी थोड़ी बात भी लड़ाई झगड़ा करोगे संसार क्यों चलेगा, चल ही नहीं सकती वो संसार है, यहाँ लड़ाई झगड़ा हर समय कोई सहन नहीं, हर समय सहन करना सीखो, इसलिए उसका अंदर में ये गुण है। फिर अमानीना मतलब मान की इच्छा मत रखा करो, हमें कोई प्रतिष्ठा दे हमारे कोई बड़ाई करे है नहीं, और दूसरों को सब समय सम्मान, सभी को घर में सम्मान, सबका अगर सम्मान करोगे ना घर बढ़िया खुश रहेगा, घर बढ़िया रहेगा समझ रहे हो, अगर किसको सम्मान नहीं दोगे तू तड़का बात करोगे तो लड़ाई होगी है,
उन्होंने देखा इनके अंदर में ये गुण है, इसलिए कि सही कथा सुनने के चेली बनने का ये इसके अंदर में चेली बनने का ये लायक है, शिष्य बनने का ही लायक है। इसलिए बोले देख बेटी एक काम करियो, उसने बोली बोले गुरुजी आश्रम में तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि आपका आश्रम में बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं, मैं तो सबर ही जाती है। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, एक काम करना तुम सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनो। बोले गुरु जी अगर कोई बिगड़ जाती बोले मैं हूँ ना, चिंता मत करो सबको पीछे बैठ करके कथा सुनना। अभी गुरु जी कथा सुना रहे, इतने में उसने आश्रम में प्रवेश करते ही जितने वहाँ ब्राह्मण थे ना चिल्ला पड़े, बोले सबरी तू अंदर में कैसे घुस गया, तेरे को किसने आदेश दिया, हमारे आश्रम अपवित्र हो गया, गोबर का पानी लाओ छिड़काव कर गंदा पानी से, ये आश्रम में घुस गई हमारा आश्रम अपवित्र हो गया, किसने तेरे को आदेश दिया प्रवेश करने के लिए आश्रम में। इतने में गुरु जी ने कहा भाई भैया नहीं दिया। बोले गुरु जी आपने कैसे दे दिया ये सबरी आपको पता नहीं, मेरे को पता है सबरी क्योंकि जो भक्ति जगत में नियम किया है कहते ना जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं जेई भजे सही बड़ा अभक्त ये विचार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। मतलब भगवान की भजन में जात कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करते हैं वही बड़ा है। हैं आप बताओ हनुमान जी कौन सा जात में जन्म हुए, बोलो हनुमान जी खुद कहते सवेरे उठ करके मेरा नाम कोई ले ना मेरे मुंह देख ले दिन भर उसको भजन नहीं किया, मैं ऐसे निकृष्ट जाति में जन्म लिया, बंदर किसी घर में घुस जाए ना मेरा अपवित्र हो गया साफ, ऐसे गंदा जाति में। बोले देखो भगवान राम की भक्ति की महिमा देखो, लेकिन मैं राम की भक्ति करता हूँ राम का नाम लेता हूँ घर घर में मेरी पूजा, घर घर में मेरी पूजा हो रही है। इसलिए गोह का चंडाल था ना, लेकिन भगवान राम का मित्र सुग्रीव वो भी बंदर है, लेकिन जब राम दरबार लगता है ना सुग्रीव और विभीषण वो भी रात के स्कूल में जब राम दरबार लगता है भगवान जितने उच्च आसन पर बैठते ना ठाकुर जी राम दरबार में बेस बराबर आसन दे करके बैठाते हैं। बोले कारण क्या है, भगवान की भक्ति करते, इसलिए भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा, भले ही जितने कुल बड़े कुल में तुम जन्म क्यों नहीं हो जाओ अगर भक्ति नहीं करते ना सबसे तुम घटिया हो सबसे तुम छोटे हो, लेकिन जितने निकृष्ट जात में जन्म क्यों नहीं हो अगर भगवान की भक्ति करता है ना जगत में सबसे बड़ा वही व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है। जगत में बड़ा बड़ा चीज भक्ति प्रेम है, इसलिए आप देखो गृत गरुड़ कौन सा गृत है, ठाकुर जी को पीठ पर ले जाता है ना, ठाकुर जी का बाण कौन है गरुड़ गृत है, सबसे निकृष्ट पक्षी उसको काग भुसुंडी नाम सुने हो, काग चंडाल कहते चिड़िया में इसको चंडाल जाति कहते हैं, इतने निकृष्ट जाति कौ, लेकिन काग भुसुंडी जब राम कथा सुनाता है बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान की भजन में जात पात का कोई विचार नहीं, लेकिन गुरु जी तो ये चीज को जानते हैं ना, लेकिन ये ब्राह्मणों का अभिमान बोले कैसे घुस गई तुमने, गुरु जी ने बोले मैंने आदेश दिया, बोले लगता है गुरु जी आपका मन आपका बुद्धि भी खराब हो गया है गुरु जी का आदेश देने लग गए उल्टा है, गुरु जी को उल्टा उपदेश देने लग गए, गुरु जी लगता है बुद्धि आपकी खराब हो गया और इसको कैसे अंदर में आश्रम दिया, बोले अगर ये आश्रम में रहेगी ना आएगी कथा सुनेगी फिर हम कोई नहीं रहेंगे, गुरु जी बोले सब भाग जाओ अगर भाग जाओगे ना इसको मैं अकेली कथा सुनूंगा सब भाग उन्हें दूर में जाकर के और एक आश्रम बना कर रहे, और गुरु जी ये सबरी को गुरु जी अपना शिष्य बनाए। बोले बेटी जब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुना, बोले बेटी चिंता मत करो एक दिन स्वयं परम ब्रह्म राम आएंगे, अकेले नहीं अपना छोटे भैया लक्ष्मण को साथ में आएंगे, जब यहीं पर आएंगे ना सबसे पहले तेरे आश्रम में आएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, तो जो ब्राह्मण लोग चले ना उसके पास नहीं जाएंगे, बोले तेरी आश्रम में आए। गुरु जी बोल करके चले गए और गुरु जी के आश्रम में सबर रही, भगवान की भजन करने लगी। रामायण देखे ना है, जब भगवान राम गए देखा कि वो आश्रम की इतने प्रभाव, मातंग ऋषि की आश्रम की इतने प्रभाव थी, वहाँ पर पशु पक्षी अंदर में जाते ही शेर है, कहते वहाँ शेर वही हिरण
हिरण शेर के पैर पर सर करके सोता था। नेवला साहब मुंह मुंह में चुंबन करती थी। वो आश्रम की गुरुज की भजन की इतने प्रभाव थी, वहां पर पशु पक्षी प्रवेश करते ही हिंस्र भाव हो जाते। इसलिए भगवान जब वहां पर आए क्या देख रहा हूँ, एक एक का दूसरा भोजन है लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे को चुंबन कर रही है। जरूर ये माता ऋषि का आश्रम, मतलब गुरु जी की इतने भजन की, इतने प्रभाव की भजन की, मतलब श्री माता ऋषि की जोर से बोलो, श्री माता ऋषि की एक बार महामंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। इसलिए अभी गुरुजी उनको उपदेश दी और गुरुजी चले गए, लेकिन गुरुजी बोल दिए, क्या बोले, एक दिन भगवान जरूर आएंगे, अकेले नहीं अपने छोटे भाई को साथ में आएंगे। अभी गुरुजी बोले, गुरुजी वाक्य तो झूठा नहीं होगा, इसलिए गुरुजी बोले है। इसलिए वो रोज क्या करती है, रामायण देखे ना, सुंदर सुंदर फूल ला करके पूरा रास्ता में भिजवा और टकटक लगा कर बैठती है, जरूर एक दिन ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी इधर देख लो, इसलिए जरूर ठाकुर जी आएंगे क्योंकि गुरु जी बोल कर गए। जिस समय गुरु जी गए ना, उसी समय में ये सबरी एकदम जवान, लेकिन जानते हो ठाकुर जी कब आए, जब एकदम बूढ़ी हो गई, दांत गिर गई, एकदम बूढ़ी हो गई ना, एक दिन ठाकुर जी वहां पर आए और ठाकुर जी को रोज रोज फूल लाकर रोज रोज बिछवाया करती थी, सुंदर सुंदर फल लाकर रखती थी क्योंकि ठाकुर जी आए कि ठाकुर को खिलाएगी। लेकिन जब ठाकुर जी आए, अपना आंखों का नेत्र की आंसुओं से ठाकुर का चरण धोया, ठाकुर जी को बैठा है, पहले पैर चक रही थी, खट्टा हो तो फेंक रही थी, मीठा हो तो ठाकुर जी को खिला रहे थे। ठाकुर जी झूठे बेर खा कर के बोले, सबरी तेरी झूठे बेर में जो स्वाद है ना, वैकुंठ में भी प्रसाद में इतना स्वाद नहीं है। देखो भगवान कितने प्रेम से, कितने ठाकुर जी रीज जाते हैं ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी सबरी को नव विद्या भक्ति की शिक्षा हैं। ठाकुर को न सर कथा भगवान, प्रथम भक्ति संत न करी संगा, पहला भक्ति क्या संतों का संग, दूसरे भक्ति कथा प्रसंगा, दूसरे जो भक्ति भगवान की कथा सुनना। जैसे देखो यहाँ पर भक्त लोग आए, प्रथम भक्ति क्या संतन का संग है, संतों का संग क्या, संतों का संग में आए तो क्या, यहाँ पर क्या दुनियादारी बात हो रही है, मामा कथा प्रसंगा भगवान की कथा सुनना। और तीसरा जो भक्ति है गुरु चरण में दृढ़ भक्ति, चतुर्थ जो भक्ति है कहते भगवान की भजन, भगवान की भजन, फिर उन्होंने नव विद्या भक्ति की उन्होंने शिक्षा प्रदान की। और जब सबरी को बोले भक्ति पर मांगो, गुरु जी की कृपा है ना, जिसको पर में गुरु जी की कृपा हो जाए ना, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान, जीवन में सब कुछ उसको मिल जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण सुदामा को कहते हैं, सुदामा प्रेरणा अहम की ज्या प्रजाति तपस उपसमनिवा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जता। ठाकुर स्वयं कहते सुदामा, मैं गुरु जी की सेवा से जितने खुश होता हूँ और किसी को द्वारा भी इतना खुश मैं नहीं होता हूँ है। इसलिए उन्होंने गुरु जी की कृपा को, उन्होंने अभी उन्होंने भगवान की भक्ति दी, सबरी को उन्होंने प्रेम दिया, गुरु जी की कृपा प्राप्त की ना, उन्होंने भगवान से भक्ति मांगे, ठाकुर जी मेरे को ठाकुर का चरण में प्रेम भक्ति दो। देखो ठाकुर जी ने तो कृपा की भक्ति दी, फिर जो ब्राह्मण छोड़कर भाग गए थे ना, फिर उसको उनको पास में बाद में गए। देखो अगर गुरु जी किसको पर नाराज हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, उनका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भी सही नहीं रहती है, बुद्धि एकदम विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। जब ठाकुर जी वहां पर गए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, देखो कहां ठाकुर जी स्वयं आए, कहां उनके चरण में भक्ति प्रेम सेवा मांगो, लेकिन वो नहीं मांगे, वहां पर एक सरोवर था, बोले ठाकुर जी अगर देना चाहते हो, ये जो सरोवर है ना वो एकदम कीचड़ कीचड़ रहता है, कीड़े बन गए, हम इसके पानी की व्यवहार नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कृपा करो पानी थोड़ा अच्छा हो जाए।
लेकिन प्रभु से प्रेम भक्ति नहीं मांगे क्यों? गुरु जी नाराज होंगे ना, गुरु जी अगर नाराज हो गए तो बुद्धि तो खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने प्रभु का प्रेम भक्ति नहीं मांगे, सबरी को उन्होंने भक्ति दिया, प्रेम दिया। भागवत रामायण में प्रसंग आती है भगवान कैसे सबरी की झूठे बैर गाए, लेकिन उनका देखो भक्ति नहीं मांग कर क्या मांगे, ये जो सरोवर है इसका पानी थोड़ा पवित्र हो जाए, पानी को व्यवहार कैसे, गुरु जी ने क्या बताया, ठाकुर जी क्या बताए, बोला अगर ये पानी को शुद्ध करना चाहते ना उसे सबरी के पास में जाओ और उसकी चरणा धो करके उसे चरणा मृत लाओ और वो चरणा मृत कुंड में छोड़ दो अपने आप शुद्ध हो जाए और उसकी चरणा मृत में रोज स्नान करो। बोले क्या? और उसकी वजह से था मैंने आश्रम में छोड़ करके आए। गुरु जी बोले तुम यहाँ कथा सुनोगे इसीलिए बता, आश्रम छोड़ करके आए और ठाकुर जी क्या कहते, जाओ उसकी चरण धो कर लाओ और उसकी चरणा मृत उसमें छोड़ दो, पानी पवित्र हो जाएगी और उसमें स्नान करो। अभी ठाकुर का आदेश है ना, क्या करना पड़ा, वो सबरी को पास में गए, बोले तुम्हारी चरणा मृत दो, बोले मेरी चरणा मृत लेने का जरूरत नहीं, मैं स्वयं जाती। वो आकर के जब वो सरोवर में अपना चरणों को स्पर्श की, स्पर्श करते ही अपने आप कुंड का पानी पवित्र हो गया, निर्मल हो गया और जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे ना रोज उसमें गोता लगा उसके चरण में, मतलब यहाँ शिक्षा देते हैं अगर तुम्हारी भक्ति प्रभु की चरण में तुम्हारी हो गई ना, कद जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुणस्तत्र समासत सुरा, जिसकी ठाकुर की चरण में प्रेम भक्ति हो जाएगी, कद सर्वगुण उसके अंदर में जितने सारे गुण उसके अंदर में अपने आप आ जाते। तुम कहीं जाने का जरूरत नहीं, बताओ सबरी ने उसके अंदर में कोई लिखाई पढ़ाई थी ना, कोई क्वालिफिकेशन थी, कुछ नहीं थी, केवल राम की भक्ति कर। हनुमान जी के अंदर में कौन सा भक्ति थी, केवल दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम करते है ना, राम की तो सेविकाएं कर रहे ना और तो कुछ नहीं। प्रहलाद क्या करते थे, ध्रुव जी ने क्या की, केवल भगवान को प्रेम करके भगवान की भक्ति की, सारे गुण इसके अंदर में आ गए। ध्रुव जी को जब भगवान दर्शन दिए और बोले मेरे स्तुति करो, बोले मेरे स्कूल ही नहीं पढ़ाई नहीं, भगवान क्या कि अपना दिव्य संत को उसको कपल में स्पर्श कराया तो सारे ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया, सारे ज्ञान सारे भगवान की स्तुति धड़ाधड़ स्तुति करने लग गए हैं। इसका शिक्षा है अगर हमारी अंदर में प्रभु का प्रेम भक्ति आ गया ना, सारे गुण तुम्हारी अंदर में आ गए। इसलिए क्या करना, तुम गुजरी ना, जो गुजरी थी गोपिया, गोपिया गुजरी कहते ना, क्या थे इनके अंदर, कोई स्कूल कॉलेज गए हैं, कोई नहीं गए, केवल कृष्ण को प्रेम करते थे, केवल कृष्ण का प्रेम गुजरी करती थी और कुछ नहीं करती थी। लेकिन जिनकी चरण धूली ब्रह्मा तक, जिनकी चरण धूली स्वयं शंकर जी, जिनकी चरण धूली को उद्धव, जिनकी चरण धूली को नारद भी, जिनकी चरण धूली को वंदना करते थे। कारण क्या है, कारण है इनके अंदर में कृष्ण के प्रति भक्ति, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग क्या करना, क्या करोगे बोलो, गुजरी तुम तो सब गुजरी हो, क्या करना, इसलिए कहते क्या करना है, केवल भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम करो और ठाकुर जी को प्रेम करो, बस इतने से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण और पास में आ जाओ और थोड़ी आगे आ जाओ, गोपिया गुजर सब आगे आ जाओ और थोड़ा आगे, सब बर्फ जैसे जम गए और थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी कलयुग में, हाँ देखो इधर सुनो, पहले मैंने जो शुरुआत की थी ना, क्या शुरुआत की थी, ये सबरी पहले कौन सा घर में जन्म हुई थी, है बोलो कौन बोलेगा, रानी थी। लेकिन माता जी तू कुट बैठे, उसको भूलने का जरूरत नहीं, हरे कृष्ण। कहीं अगर सत्संग हो ना, माता ही कब आती है जब खत्म होने जाती है, सिनेमा देखने के लिए जाओ ना, शो देखने के लिए आधा घंटा पहले जाए, आधा घंटा पहले जाए, हरे कृष्ण। हाँ बोलो इधर सुना, इसलिए सबरी पूर्व जन्म में कौन थी, राजा की रानी थी।
लेकिन और सबरी घर में क्यों आई? शायद हमें सत्संग नहीं मिल रहा, इसलिए ठाकुर जी मैं ऐसे राजा घर में रानी बनना नहीं चाहती हूँ जिस रानी बनने पर जीवन में हमें सत्संग नहीं मिले। ऐसे घर में जन्म लेना चाहती हूँ जिस घर में जाओ आसानी से संतों की संग मिले, संतों का दर्शन मिले, भगवान की भक्ति करने को मिले। हमें ऐसे घर में जन्म दो। कहाँ, लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्या चाहती हो? राजा घर में राजकुमारी बनकर जन्म हो जाए। हम सब चाहते ना राजा घर में राजकुमारी होकर जन्म हो, रानी बनकर रहे। ठाकुर का कृपा नहीं, ये स्वयं कुंती कहती है। क्या कहती है? प्रभु जब भगवान से वर मांगे, बोले प्रभु क्या वर मांगती हो? बोले संत न साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। ठाकुर जी ज्यादा पैसा पैसा मत दिया करो, हैं? जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाता ना अभिमान हो जाता है, उतरा भजन नहीं करेगा। ज्यादा सुंदरी हो जाए ना भक्ति नहीं करेगा, हैं? जिसको थोड़ा ज्यादा लिखा ही पड़ता है भजन नहीं करेगा, जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाए भजन नहीं करेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री प्रभु ये सब भजन नहीं करते हैं। अब देखना जिसको घर में ज्यादा पैसा है सत्संग में नहीं बनेगा आकर के, उसका स्थान तो जुआरी, जहाँ पर जुआरी मदारी है ना, जो शराब उसका स्थान हुक्का घर में होगा, है? जुआरी घर में होगा उसका घर स्थान, जुआ खेलता होगा शराब पीता होगा, ज्यादा पैसा जिसको पास में वो सत्संग में नहीं आएगा। लेकिन ये राज घराने की राज घर में जन्म हुई थी, लेकिन उसकी सत्संग नहीं मिला तो राज ने शरीर त्याग दी। बोला प्रभु अगले जीवन में हमें रानी राजकुमारी में बनना नहीं चाहती हूँ, मेरे को ऐसे घर में जन्म दो जिस घर में जन्म पर तेरे संतों के संग मिले, तेरी कथा सुनने को मिले, तेरी भजन करने को मिले। उसने रानी घर से नीचे आई, मेरा भी थी ना, वो भी तो रानी घर की रानी थी, लेकिन करती थी क्या? बाहर संतों के साथ में वो घूमती थी, संतों के साथ में भजन करती थी, नाचती थी मीरा। अब देखना सुने कि नहीं मीरा की कथा, सुने कि नहीं? जब उसने भजन करने के लिए गई, उसका परिवार विरोध हो गए, उसका जेठ ननंद देवर सब विरोध हो गए, लेकिन मीरा अपना रंग को नहीं छोड़ी, अपना भजन छोड़ गई, दुनिया लास्ट में छूट गई, दुनिया छूट गई। और लास्ट में जाकर मीरा ने कृष्ण को साथ में मिल गए, लास्ट वो शरीर नहीं छोड़ी, एकदम भगवान को शरीर में उसने लीन हो गए, मिल गई, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ी। समझ रहे हो गुजरी? क्या करना? अपना भजन नहीं छोड़ना। दुनिया छूट जाए तो नहीं छूटेगा, दुनिया तेरे से, तुम नहीं छाड़ने पर तेरे को दुनिया छोड़ देगी, लेकिन जो भजन है ना लास्ट में अंतिम समय में साथ में क्या जाएगा? यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलेंगे ना। जिंदगी में जितने राम का कृष्ण का नाम लिया ना वही जा रहा है, और जितने इकट्ठे तुमने किया और रुपया पैसा दुकान मकान, एक सुई धागा तेरे साथ में नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगा तो रो रो कर दरवाजे तक चलेगी, परिवार शमशान तक चलेगी, उसका आगे तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा। आगे क्या जाएगा? पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, जितने प्रभु का नाम जप कर रहे हो ना भजन कर रहे हो वही जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। जो नाक में कान में जो सोना पहन के रखी ना, है सोना पहन के रखी, एक बूढ़ी माता जी मर गई तो बहू ये रो रही है, हमारी सास चली गई, सास चली गई, लेकिन उसको कान में सोने की एक है, कान में जो सोने की धूल थी, इतने में वो इधर तो रो रही है और इधर पति को कह रहे हैं ले भैया की कान से उसको उतार कर रख देना, वो नहीं चली जाए, है उसको साथ में नहीं चली जाए, कान से नाक से उतार कर रख देना, है इधर रो रही है मेरी सास चली गई मैं रो रही है, और इधर कान में तो उतार कर रख दो, सारे यही उतार देंगे, कुछ भी काम में नहीं जाएगी। लेकिन जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लोगे तो वही साथ जाएगी। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ। जितने प्रभु का राम का कृष्ण का नाम लोगे ना जब करोगे यही जा गया। इसलिए क्या करनी चाहिए? माला जब करो, ऐसे नहीं बैठ करके उसकी छोरी ने ऐसे की, उसको बहू ऐसे की, बहू को साथ क्या यही तो करते हो। जितने बड़ी बुढ़ियों को पूछो बस बैठी बैठ करके मेरी बहू के साथ में ये हो गया, तेरी बहू क्या बोले मेरी बहू के साथ में ये हुआ, बस यही बात। अरे ये जीवन इसीलिए तेरे को मिला है सो बात करने के लिए,
84 लखे जीवन को बाद में मिला, समय मिले मारा लो, हरिनाम करो, भगवान का नाम जब करो यही काम में आएगा। जिसको चुगली करोगे ना वो सारे पाप तुम्हारे ऊपर आएगा, जिसको चुगली करोगे। इसलिए बहु बेटियों की बात नहीं करके माला लेकर क्या करो, ठाकुर जी की नाम जपो। अरे बाबा रे, बोले बहुओं की सेवा करती है आजकल, सेवा कर रही है। देखो ये जो दोस्त है ना, देखो ये दोस्त सास की दोस्त है, बहु का भी कुछ दोस्त है। देखो हम क्या चाहते हैं, हमारी जो बेटी है ना रानी बन कर रहे और घर में बहु नौकरानी बन कर रहे। अपना बेटी के लिए तो कपड़ा भेजेंगे, मिठाई भेजेंगे, बाहर जाएगा याद करेंगे, लेकिन जब घर में आए ना बहू के लिए कुछ नहीं। बहू के लिए कुछ नहीं करोगे तो बहुत तुम जैसे व्यवहार करोगे तो बहुत वैसे करेगी। इसलिए बहू का अपना बेटी समझो, बहू का अपना बेटी समझो, लेकिन बहू को नौकर समझने लग जाती है, अपना बेटी की रानी समझने लगी। एक सारी गड़बड़ यही होती है। इसलिए बहू को क्या समझनी चाहिए, सास को, सास नहीं ये मेरी माँ, मेरी माँ। सास को क्या समझनी चाहिए, ये मेरी बेटी है। बहू जैसे मत रखो, बेटी जैसे देखो। हैं हम जैसे व्यवहार करते ना बहू के, बेटी के लिए तो सारा दुनिया यहीं पर रहते होगी। अगर कभी तुम नाना नानी बनोगे, बेटी के लिए बनोगे ना बहू के लिए बनोगे, बोलो घर में सेवा कौन कर। बेटी आकर सेवा करेगी ना बहू तुम्हारी सेवा करेगी, बहू करेगी, बेटी आकर नहीं करेगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, हमारी बहू घर में नौकरानी बन जाए और बेटी जाकर राजरानी बन जाए, बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, भावना नहीं रखनी चाहिए, समझ रहे हो। हम जैसे कर जैसे करनी सही भरनी है। इसलिए बहुओं को अपना बेटी समझो, और जितने बहू हैं अपना माँ सास को सास नहीं समझ कर क्या समझे, माँ समझे, बस सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारा झगड़ा हमारी दोनों का तरफ में गड़बड़ी है, ठीक है ना। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, और क्या करना, हरि की नाम जप करना, हरि की नाम जप करना, भगवान के नाम जप करो। हाँ, अगर प्रभु का नाम जप करोगे घर में शांति सुख में रहोगे और आनंद में रहोगे, ठीक है ना। लगता है सब लोगों ने तो माला लिए हो, माला तो करके तुम लोग लिए हो, और जो लोग माला नहीं लिए सब माला ले लेना। और माला लेकर क्या करना, घर में बैठ बैठ करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर की मालकिन कौन है, घर की मालकिन कौन है, ये बेटी है। हां, और तुम्हारी बहू कौन है, वो कौन है, अरे की बहू कौन है, इधर आ, कहां बाहर चली गई, इनकी घर की बहू कौन, इधर आ जा। ठीक है ठीक है, यही है, किसी ने करवाया, थोड़ी बहू ही है, ये पहली बहू ही है, छोटी बहू है, वो छोटी बहू है, तो बड़ी हो। देखो उसको, देखो गला में कंठी पर इतने लग लगे, पर अब तो बन रहे हो। देखो संस्कार पहले सांस से बढ़ती है, इसलिए हरिनाम करो, यही जाएगा। बहु बेटी बात छोड़ करके घर में तो बहु आ गई, घर का संभाल काम तो यही संभाल रही, तो बैठ करके हरिनाम करो ना, इससे कल्याण होगा। हैं, इधर उधर बात मत करना, ठीक है। सब माला लेकर प्रभु का नाम जप करो, जो काम में आएगा, ठीक है। हाँ, इधर सुना क्या बोल रहा था, गुरुजी से एक बार, गुरुजी से प्रश्न। हाँ, गुरुजी कहते थे जब गुरुजी हमें माला दिए हैं, हाँ सब आता है, जब गुरुजी हमें माला दिए हैं, कहते गुरुजी माला नहीं दी, ये ठाकुर कान्हा को अपने दे दिया। कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, ठाकुर हमें, गुरुजी हमें ठाकुर दे दिया, रोज ये माला जप करनी चाहिए। गुरुजी कहते थे अगर एक दिन तुमने माला नहीं जप की ना, दिन भर ठाकुर जी भूखे रहते, स्नान नहीं किए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए। गुरु जी कहते माला को भी भूखे मत रखना, रोज नियमित करके कुछ माला भोजन करने से पहले माला करो। फिर दिन में जब तुमको फुर्सत मिलता है, अपना काम धाम से घर का काम हो गया, पति बच्चे भोजन करने चले गए, ऐसे ऐसे नहीं बैठ करके दिन भर टीवी खोल कर बैठेंगे, स्मार्टफोन देखने लग गए, उसको ज्यादा नहीं देख करके
भगवान के नाम करो, जिससे घर का पाप दूर होगा, घर में शांति सुख मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। ठीक है, माला लेकर के आई ना, रोज करना, क्योंकि यही तो जाएगा साथ में और कुछ नहीं जाएगा। भगवान का नाम तो पहले अच्छी नहीं लगेगी। देखो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए हो, हाथ उठाओ। आप बताओ मिश्री कड़वी ना मीठा है, लेकिन किसी किसी को ये मिश्री भी कड़वी लगती है। बोले किसको ये मिश्री कड़वी लगती है, सुन लो कड़वी किसको लगेगी, बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, पीलिया रोग हो जाए, वो जो कुछ खाए लिखना उसको सब के सब लगता है कड़वी कड़वी। पहले इतना दवाई तो था नहीं, डॉक्टर बोलता था देख भैया तुम मिश्री चुनना, लेकिन मिश्री अभी तेरे को मीठा नहीं लगेगा, अभी तुमको कड़वी लगेगी, क्यों, अभी तुम्हारी बीमारी। लेकिन चुसते चुसते धीरे 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 जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर मिश्री तुम्हें मीठा लगने लगेगा, फिर तो छुटेगा है। क्या तो उसी तरह भगवान का नाम इतना मीठा दुनिया में और कुछ नहीं, ठाकुर का नाम में जितने मीठा है, सबसे मीठा ठाकुर का नाम। लेकिन अभी हमें अच्छी नहीं लगती, किसको चुगली हो ना, ए खड़ी हो जाती, तो कान खड़ी हो जाती, फिर तो बोले हमने इतना बड़ा भूत, बोले हमने भी इतना बड़ा भूत देखा, बोले सांप, हमने इतना बड़े सांप, एकदम जोश आ जाती। लेकिन बोले तो भगवान का नाम पर बोले नहीं दिया, अच्छी नहीं लगती। देखो ये रूप गोस्वामी कहते हैं क्या करना पड़ेगा, पहले नाम तो सबसे मीठी लगेगी नहीं, लेकिन वो कहते संत इच्छा नहीं रहने पर भी माला लेकर जोर जबरदस्ती बैठो, ठाकुर के सामने माला लेकर बैठो, धीरे 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 भगवान के नाम जितने परिमाण में लोगे उतना हमारी पाप खत्म हो जाएगी, हमारी अनर्थ पाप खत्म होने लग जाएगी। जब पाप खत्म हो जाएगी तो मीठा लगेगी। फिर सोचोगे भैया घर का काम इतना कब खत्म हो जाए, कब माला लेकर सारा बैठ, इतने आनंद मिलेगी, इतने शांति मिलेगी। दिन भर हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति पावन, दिन भर हरिनाम करते ना ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हनुमान दिन भर प्रभु का, शंकर जी दिन भर हरिनाम करते हैं, माता पार्वती भी दिन भर भजन करती है, भजन में बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इच्छा नहीं रहने पर भी माला लेकर बैठो, और अंतिम समय में यही धन ही पूरा तुम्हारी काम में आएगा, संसार का कोई भी धन तुम्हारे काम में आने वाले नहीं। इसलिए भागवत में बताए मरने के बाद जब महाराज को सामने खड़े करते थे, उसको प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, बोले तेरे को मैंने 84 लाख जन्मों के बाद में तुमको ये मानव शरीर मैंने तुमको दिया था, बताओ तुमने क्या किया, क्या किया। ये नहीं बोलोगे नहीं, 5 में हर छोरा छोरी हुई है, एक छोरी को इतने बड़ी घर में जन्म शादी दिया, एक छोरे की बहू लाए, एक गाड़ी 10 किलो सोना मिली उसके घर से, और हमने ये किया, वो सब प्रश्न नहीं करेंगे। वो वहां पर जब महाराज एक ही प्रश्न करते हैं, ये 84 लाख जन्म के बाद में तेरे को जो इंसान जीवन पिछले दिया था, कहते आए थे हरि भजन को, ये भजन के लिए तुमको जीवन दिया था। वो बोलेंगे कितने माला जब की, वो छोरा छोरी की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए हमारे भारत में मरते समय यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात सुनता है, ये बोलते हैं ना, जितने तुमने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा तेरे साथ नहीं जा रही है। सत्य बोले मतलब अगर राम का कृष्ण का नाम लिया तो गत्य है, तब तक गति नहीं तो कोई गति तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी गति केवल प्रभु का नाम जाएगा। ठीक है ना, क्या करना, बैठ करके इधर उधर की बात नहीं करके, पता है इधर उधर की बात, देखो यहाँ पर एक माता जी बैठी है, माता जी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, देखो ये एक बूढ़ी माता जी को, देखो हम जब से आए ये माता जी को दर्शन करते, जब से आए तब से ये जुड़ी, दिन भर प्रभु का नाम जप करते, और कोई दुनिया की बात नहीं, कोई बहू बेटी की बात नहीं, दिन भर तिलक लगाए की गले में कंठी, दिन भर हम जब से आए, जब से गली में आए तब से प्रभु का, और कुछ हमारे शिष्या लोग ही माता जी सब कुछ कुछ माता है, कहीं इधर उधर की बात नहीं, देखो दिन भर प्रभु की माला करते हैं, क्यों यही जाएगा ना। ठीक है ना माता जी, माला लेकर के माला करो, हरिनाम करो, उसमें शांति मिलेगी और यही जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, आज जिन्होंने ये घर में सत्संग रखवाया है, माता जी क्या नाम तुम्हारी, शीला, शीला दीदी की,
प्रशिला दीदी की, अरुण की बहुवन की, अरुण की पति, पति का नाम क्या था तू बता देने, क्या नाम था? हरकेश। हरकेश, हाँ ठीक, अच्छा नाम है। हरकेश प्रभु की चल चल पड़े ना कि है अब बाहर बैठे, ठीक ठीक अच्छी बात। देखो इन लोग ने आज घर में भक्तों को बुलाया, हाँ देखो घर में संतों को बुलाया, घर में कीर्तन हुई, हरि कथा हुई। जिस दिन घर में संत आए घर में हरि कीर्तन हो, कभी घर घर नहीं, कभी घर भगवान का धाम बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान की धाम। और मंगल भवन अमंगल, घर से सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। अब इनके लिए ताली बजाओ जोर से। एक अच्छी बात है। अभी प्रभु जी थोड़ा भजन गाएंगे, होली का बढ़िया थोड़ा नाच लेना, होली नाम बरस मिठारे मिठारे डांस गोरीलाल की। देखो जो दामोदर प्रभु का होली सुनी कि नहीं, जिन जिन घर में पागल बना दिए, आज भी गए थे संगम बिहार, फिर नाच नाच करके ना उनको बोले बाबा बढ़िया नाच कर दिया है, एकदम खुश कर दिया। बोले बाबा जो अभी उसको एक दो कथा के बाद उनको गाँव में कथा है, बोले तो बाबा अगर होगा तो भागवत से कथा कराएगी उन्होंने रखा, लेकिन अगर नहीं होगा ना इसे घर घर में आनंद देना है, अब तक घर को भगवान का धाम बना दिया। देखो ये देखने के लिए एकदम सीधा सीधा साधा लगते हैं, लेकिन आकाशवाणी में ग्रेड एक में इनका नाम है। अगर अब आकाशवाणी का रेडियो खोलोगे ना इनकी भजन उसमें आता है, लेकिन ये हमारे चूंकि गुरुजी की शिष्य है, गुरुजी की शिष्य है, इसलिए संत लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं, संत लोग बड़े कृपालु होते हैं। देखो इनकी जब प्रोग्राम रहता है ना, ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े स्टेज का प्रोग्राम इनकी रहती है, बड़ी बड़ी स्टेज प्रोग्राम, बहुत पैसा इनको चका देना मिलती है, लेकिन जब संतों के साथ जाते हैं सब जगह में जा करके जैसे जैसे स्थिति है ना वो वैसे जा करके सबको ठाकुर का नाम सुना करके आनंद देते हैं। ये परम वैष्णव ये ब्रजवासी है, ब्रज में इनकी जन्म हुई है, अच्छे घर में जन्म हुई है, लेकिन वो भक्तों को कीर्तन से आनंद करते हैं। ठीक है भैया, ये सब जो कुछ है गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से ही है। आप आगे हो जाओ। श्री गुरु चरण प्रताप ते पायो बिपिन को बास, बरनो राधे बिपुल गुण रसिकन ही ये प्रकाश, आयो कर संतन की संगत में बार बार, सदा पद पंकज में शीश कूं झुकायो कर, नहायो कर प्यारे मार दंड तनया में जाए, रज कूं लगाए अंग अंग हुलसायो कर, पायो कर प्रभु के प्रसाद को प्रसन्न है के, श्री बनराज जू की परिकम्मा जायो कर, ध्यायो कर ध्यान मन मगन होए हृदय बीच, बैठ के निकुंजन में राधा गुन गायो कर, बैठ के निकुंजन में राधा गुन गायो कर, बैठ के निकुंजन में राधा गुन गायो कर, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम, साक्रदपि परगीतम श्रद्धया हेलयावा, भगवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम, भगवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम,
रघुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम श्री नाम महाराज की जय जय श्री राधे। मैं बोलूंगा नाम रस मीठा रे और आप बोलेंगे मीठा रे मीठा रे। क्या बोलोगे मीठा रे मीठा रे और ताली बजा करके भगवान की सेवा करेंगे। यहाँ हमारे गुरु वैष्णव होते हैं मां ठाकुर जी हमको सुन रहे हैं देख भी रहे हैं। नाम रस मीठा रे मीठा रे मीठा रे नाम रस मीठा रे Yeah.
पूज करे अब कहाँ बच के जाएगी खेलू तो ते भाग। एक बार हाथ हाथ ऊपर करेंगे बोल होली के रसिया की जय सुभान नंदन श्री लाडली जू की जय परसाने वाले की जय रावण धाम की जय नीली गली की जय गुरुदेव की लाडली की जय गुरुदेव के लाडले की जय संतन हितकारी की जय छबीली की जय सिख रसीले की जय मोर गर्वीले की जय मेरे जीवन मूल कन्हैया प्यारे की गौरव आनंदे हरि बोल होली के रसिया की। हाँ रंग डालो ना बोल करके आनंद लेंगे रंग डालो ना रंग डालो ना रंग डालो ना
Thank you.
I'm
तो नंदगांव को छोड़ा।